चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आंवले का मुरब्बा एक अत्यधिक स्वादिष्ट मीठा व्यंजन है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन होते हैं। आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका नियमित सेवन करने से शरीर चुस्त व दुरुस्त रहता है। इसका बनाना भी बहुत आसान है, इसे सभी खाना पसंद करते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसका बनाना दिखाएंगे और इसे बनाकर इसके स्वाद का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। आंवला बहुत फायदेमंद होता है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आंवले को आप कई प्रकार से बनाकर खा सकते हैं। आंवले का मुरब्बा बहुत स्वादिष्ट होता है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए जिन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वह इस प्रकार है। आंवला 500 ग्राम बिल्कुल साफ आंवला लेना है। चीनी 750 ग्राम 3 कप के बराबर। चूना आधी चम्मच, ये पान की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। इलायची पाउडर 1 चम्मच, नींबू 1। अब आंवले को गूंदेंगे। आंवले को हमने धो लिया है, अब इसे हम गूंदेंगे। इस तरह से सारी फांकों में एक एक बार छेद करेंगे। इस तरह से ज्यादा नहीं गोदना होता है, नहीं तो मुरब्बा में फांके फट जाती हैं। फिर इस तरह से सारे गोद लेंगे। आमलों को हमने गोद लिया है, अब इसे हम पानी में डालेंगे। बाउल में पानी लेंगे, इसमें चूना मिक्स कर देंगे। चूना इसमें इसलिए डाला जाता है कि इस आंवले का कसैलापन निकल जाए। इसकी जगह फिट करी भी डाल सकते हैं। जब चूना पूरे अच्छी तरह से घुल जाए तो इसमें आंवलों को भिगो देंगे। उसे डूबा कर देंगे। इसे 24 घंटे के लिए भिगोने के लिए रखेंगे। इन आंवलों को हमने 24 घंटे के लिए चूने के पानी में भिगोया था। अब इसे हमने 2-3 बार पानी में अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसके हम काला डंठल साफ कर देंगे। इस तरह से निकाल देंगे दोनों तरफ से। इस तरह से सारा कर निकाल देंगे। सब आमलों से हमने डंठल को निकाल दिया है। अब इसको हम फिर 2 बार धोएंगे। आमले को हमने फिर से 2 बार धो लिया है। अब इन्हें उबालेंगे। भगोने में पानी चढ़ा दिया है। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें हम आमला डालेंगे। अब इसको नरम होने तक उबालेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसे हम 2-3 मिनट और उबालेंगे मुलायम होने तक। गैस को कम कर देंगे। आंवले को हमने 5 मिनट उबाला। अब इस तरह से देख लेंगे कि ये मुलायम हो गए। नाखून लगा कर देख लेंगे और इस तरह से भी पता चल जाता है कि आंवला फट जाता है अच्छी तरह से। अब इसका पानी निकाल देंगे। गैस बंद कर देंगे, पानी निकाल देंगे। पानी निकलने तक हम प्लेट पर रखेंगे। अब आंवले का पानी निकल चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे। इसमें चीनी भी डाल देंगे। चीनी कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह करके 8-10 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे चीनी रस छोड़ दे। इस तरह से पानी आ जाए, अब इसको हम गैस पर रखेंगे। गैस को कम कर लेंगे, कम पे पकाएंगे।
गैस कम करके इस तरह से चलाते रहेंगे जिससे चीनी जले नहीं। चाशनी में उबाल आ चुका है, अब चाशनी को हम चेक कर लेंगे। एक तार की चाशनी बनानी है, इस तरह से ठंडी होने देंगे। इस तरह से एक तार की चाशनी बननी है, गैस बंद कर देंगे। आमले को हमने नीचे उतार लिया है, अब इसमें हम नींबू निचोड़ देंगे। पूरे एक नींबू का रस निकाल के डाल देंगे। ये नींबू इसलिए डाला जाता है कि इसमें चीनी के क्रिस्टल ना आए और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इलायची पाउडर डाल देंगे। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। आमले का मीठा मुरब्बा बनकर तैयार है। ठंडा होने पर इसे सूखे कंटेनर में भरकर रख दें। अगर आप चटपटा मुरब्बा खाना चाहते हैं तो इसमें काली मिर्च आधी चम्मच, काला नमक आधी चम्मच डालकर मिला दें। यह मुरब्बा खराब नहीं हुआ। जब मन करे निकालिए और खाइए। 2-3 दिन में इसकी चाशनी आमले के अंदर चली जाएगी, यह खाने योग्य हो जाएगा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।